चीन सहित दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जिस बात का डर था अब वो नजर आने लगा। दूसरे कई देशों की तरह भारत में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे, लेकिन कोरोना के मरीजों के बढ़ने की रफ्तार ऐसी नहीं कि लोग घबराएं। कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी अंदेशों के मुताबिक ही है और सारा जोर अब बचाव के लिए सावधानी बरतने पर है। देश में कोविड की महामारी न फैले या तो कोविड के केस बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है। सरकार की चिंता और मुस्तैदी की वजह है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 188 नए मामले सामने आए, यानी एक दिन पहले की तुलना में 31 मरीज ज्यादा मिले हैं। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,468 हो गई। यही वजह है कि सरकार ने अपनी तरफ से लोगों से सावधानी बरतने, कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की। वैसे सरकार की चिंता केवल कोरोना के मरीजों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी ही नहीं, सरकार की चिंता की बड़ी वजह विदेश यात्रा से लौटने वाले अपने लोग या विदेशी मेहमान भी है जो अपने साथ बीमारी का वायरस ला रहे हैं, जिससे कोरोना के किसी नए वेरिएंट के आने का अंदेशा बढ़ गया। यही वजह है कि सरकार ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी और कोरोना के खिलाफ देश की तैयारी परखने के लिए एक दिन पहले सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का सहारा लिया। सरकार की मुस्तैदी की एक वजह कुछ खास आंकड़े भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 दिसंबर से अब तक 498 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की जांच की गई, जिनमें विदेश से आए यात्रियों में 41 कोरोना पॉजिटिव निकले। इन सभी यात्रियों के सैंपल जीनोम टेस्ट के लिए भेज दिए गए। खतरे को देखते हुए लोगों से विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी जाने लगी और सरकार भी मानकर चलने लगी कि खतरा बड़ा है तो कोरोना के मरीज बढ़ेंगे ही। आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है। सरकार के अंदेशे को हवा हवाई मानना बड़ी भूल होगी, क्योंकि कोरोना के कई ऐसे केस सामने आए जो हैरान करने वाले रहे। पटना के पास नरही गांव में एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली, जबकि इस महिला के पति सहित परिवार के सभी सदस्य नेगेटिव हैं। बताया गया कि पीड़ित महिला बाहरी देश ही नहीं बल्कि बाहर के शहर तक भी नहीं गई थी। दो दिन पहले बोधगया में दलाई लामा के कार्यक्रम में कई कोरोना पॉजिटिव मिले। म्यांमार, थाईलैंड और इंग्लैंड के इन पर्यटकों की संख्या 11 बताई गई। इनके अलावा यूपी के आगरा में एक और कानपुर में कोरोना के दो मरीज मिले। आगरा का जो मरीज है वो दो दिन पहले चीन से लौटा था, जबकि कानपुर में आईआईटी का छात्र कोलकाता से लौटा था। दुबई से चेन्नई लौटे दो यात्री भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इन सभी मरीजों के सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए हैं। भारत में कोरोना की दो ऐसी लहरें देखी हैं जिसे देश के लोग कभी भूल नहीं सकते। यही वजह है कि चीन से आने वाली खबरों से लोग दहशत में आने लगे, लेकिन ज्यादातर जानकार भारत में कोरोना की तीसरी लहर के ज्यादा असरदार नहीं रहने की भविष्यवाणी करते दिखे। हालांकि बीते कुछ दिनों में चीन से जिस तरह की तस्वीरें आई वो निश्चित रूप से झकझोर देने वाली रही। अस्पतालों में भीड़ से लेकर दवाइयों की किल्लत और स्वास्थ्य सेवाओं का चरमराना कोरोना महामारी की भयावहता को दिखाता रहा। दिल्ली के एम्स में वैक्सीन रिसर्चर डॉक्टर संजय रॉय इसकी वजह चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को बताते हैं। हाँ, जहाँ जीरो कोविड पॉलिसी थी वहाँ पे कभी इन्फेक्शन नहीं फैला और इसलिए उनको नेचुरल इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। यानी चीन, जापान सहित दुनिया के जिन हिस्सों में कोरोना की ये लहर आपे से बाहर है उसकी वजह कोरोना को लेकर वहाँ की सख्त नीति रही। चूँकि भारत ने दूसरी लहर के दौरान वैसी सख्ती नहीं बरती, इसलिए यहाँ के लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी मिली, जिसे किसी भी वैक्सीन से ज्यादा कारगर माना जाता है। नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से ही भारत में अब कोरोना को बड़े खतरे के रूप में नहीं देखा जा रहा। कि जहाँ जहाँ 90% लोगों को 100% लोगों को दो डोज लग गई, फिर भी वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जहाँ वहाँ नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ, अंतर मेन यही है। तो इसलिए बहुत ही कम संभावना है कि हमारे यहाँ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई एयरपोर्ट पर दो यात्री संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग के दौरान दो विदेशी यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और रैंडम जांच के दौरान इन दोनों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। अगले 40 दिन भारत के लिए अहम होंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि जनवरी के महीने में कोरोना के केसेस भारत में बढ़ सकते हैं। अब कोरोना का खतरा बढ़ा तो वैक्सीन लगवाने की रफ्तार भी बढ़ी है।
सवाल उठ रहे हैं कि भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आखिर कौन लगवा सकता है और कौन नहीं। इस मसले पर NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने अहम जानकारी दी है। नेजल वैक्सीन इनकोवैक सिर्फ फर्स्ट बूस्टर या प्रिकॉशन डोज के तौर पर लगवाई जा सकती है, लेकिन जो लोग पहले ही बूस्टर या प्रिकॉशन डोज लगवा चुके हैं वो नेजल वैक्सीन नहीं लगवा सकते। यानी कोरोना वैक्सीन के दो डोज लगवा चुके लोग ही नेजल वैक्सीन को बूस्टर के तौर पर लगवा सकते हैं। डॉक्टर N.K. अरोड़ा के मुताबिक कोविन प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन की चौथी डोज के लिए कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति वैक्सीन की दो डोज और बूस्टर डोज लगवा चुका है वो चौथी डोज के लिए बुकिंग ही नहीं करवा पाएगा। अब कोविड को क्लास बी कैटेगरी की बीमारी में डालने के बाद चीन की सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। इस फैसले को चीन की कोरोना के आंकड़े छिपाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। फैसले के मुताबिक अब चीन की सरकार कोविड मामलों से जुड़ी जानकारी हर रोज नहीं बल्कि महीने में एक बार जारी करेगी। कोविड मामलों से जुड़े आंकड़े CDC यानी चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जारी करेगा। आंकड़ों में अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या और हर महीने कोविड से होने वाली मौतों की संख्या होगी। CDC अब स्थानीय और बाहर से आए कोरोना मरीजों के अलग अलग आंकड़े जारी नहीं करेगा। इसके अलावा CDC कोविड मरीजों के नजदीकी संपर्क में आए लोगों की संख्या भी नहीं बताएगा, जबकि CDC ऑनलाइन सर्वे के जरिए कोविड से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। जिनपिंग प्रशासन के मुताबिक महीने में एक बार कोरोना के आंकड़े जारी करने के पीछे उसका मकसद लोगों की जान बचाने पर ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन जानकारों की माने तो चीन ऐसा कर कोरोना के आंकड़ों में हेराफेरी करेगा जैसा वो पहले से करता आया है। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी कोहराम मचा रही है। आपको बताते हैं कि दुनिया के 10 देशों का हाल, जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो पहले नंबर पर इस लिस्ट में है जापान, जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,00,000 से ज्यादा मरीज मिले जबकि 271 लोगों की मौत हो गई। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जहां 87,000 से ज्यादा मरीज मिले जबकि 50 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मरीजों के मामले में तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी, जहां 60,000 से ज्यादा मरीज मिले जबकि 204 लोगों की इसके चलते मौत हो गई। चौथे नंबर पर है ब्राजील, जहां पिछले 24 घंटों में 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 250 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पांचवें नंबर पर इस लिस्ट में आता है ताइवान, जहां एक दिन में 24,000 मरीज मिले हैं और 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस लिस्ट में छठा नंबर हांगकांग का है, जहां एक दिन में 18,000 से ज्यादा नए केसेस मिले और 53 मरीजों की मौत हो गई। सातवां नंबर आता है अमेरिका का, जहां 17,000 नए केस सामने आए और 69 लोगों की मौत हो गई। आठवें नंबर पर मेक्सिको है, जहां एक दिन में 6,000 कोविड केसेस सामने आए हैं और 50 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस लिस्ट में नौवें नंबर पर है रशिया, जहां एक दिन में 5,000 से ज्यादा कोविड मरीज मिले और 59 की मौत हो गई। दसवें नंबर पर आपको हैरानी होगी ये जानकर कि चीन आता है, जहां एक दिन में 4,000 से ज्यादा केस सामने आए और सिर्फ एक की मौत हुई है। हालांकि पूरी दुनिया चीन पर असली आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रही है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत इस लिस्ट में आता है 32वें नंबर पर, जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 215 नए मरीज मिले हैं और किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दादागिरी, उनकी आर्थिक और कोविड नीतियों की वजह से लोग इस कदर परेशान हो गए हैं कि अब वो अपना देश छोड़ने लगे हैं। चीन के ज्यादातर अमीर लोग जापान का रुख कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यानी 2022 के पहले 10 महीनों में 2,133 चीनी नागरिक जापान गए, जबकि 2019 में यानी कोरोना से पहले ये आंकड़ा 1,417 का था। आम तौर पर वीजा एक साल तक के लिए रहता है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक चीन के अमीर और कारोबारी लोग वीजा एक्सटेंड कर जापान में ही रहना पसंद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के बाद जापान दूसरा ऐसा मुल्क है जहां चीन के सबसे ज्यादा प्रवासी नागरिक रहते हैं। UN की माने तो जापान में चीन के 7,80,000 लोग रह रहे हैं।